क्या आप चाहते हैं कि आपके कपड़े थोड़े ज्यादा बेहतर दिखें या फिर वो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान बना दे? मैंने इसे आखिरी बार कब धोया था? हमारे पास कपड़ों और जूतों के कुछ हैक्स हैं जो आपके लिए थोड़ी आसानी कर देंगे। एक अच्छी किताब पढ़ने से बेहतर कुछ भी नहीं होता। ओह लिली, क्या तुम्हें वेंसडे का तोहफा चाहिए? मेरे लिए है। शुक्रिया केविन, तुम हमेशा मेरे लिए सोचते हो। इसमें क्या होगा? ओह, ये बहुत सुंदर है, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काश मैं इसे थोड़ा सिल पाती, और क्यों नहीं स्वेटर को इस तरह टेबल पर बिछाए। अब इसके बीच में से सीधी लाइन में काटी। हाँ बिल्कुल सीधा, और मानो या ना मानो आपको बस यही करना था। और वाह, ये बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है केविन? वाह, क्या ये वही स्वेटर है जो मैं लाया हूँ? तुमने कैसे किया? बस थोड़ी सी कैंची चलाई। हे भगवान, ठीक है तो मेरे पाल बन गए। बस मुझे अब कपड़े पहनने हैं। मुझे कपड़े धोने की जरूरत है क्योंकि अब यही बचा है। क्या ये साफ है? लगता तो है। इतनी गंदी बदबू, मैं बिना टॉप के क्लास में नहीं जा सकती। पर कोई नहीं देख रहा है ना, मैं बस दरवाजा खोलूंगी। शुक्रिया केविन अपने में लगा हुआ है, अब उसकी अलमारी मेरी है। चलो देखते हैं, ये मेरे लिए सही रंग है। हाँ थोड़ी ट्विक्स के साथ। इससे पहले केविन मुझे देखे मुझे जाना होगा। यिक्स, मैं तो इसमें झूल रही हूँ। इसे टाइट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपनी जीन्स में अपनी शर्ट को टक करें, बस ज्यादा बंची ना लगे। अब अपनी ब्रा स्ट्रैप को निकालकर बाजू को ऊंचा करें और फिर इसे टक कर ली बिल्कुल आराम से। दूसरी साइड मत भूल जाना लिली। किसने सोचा था ब्रा इतनी काम आ सकती है? अब ये बेहतर है। क्या मेरी आंखों को धोखा है या फिर ये शर्ट सच में बहुत अच्छी है? बच गई। एक एक्सेसरी कितना कुछ बदल सकती है, और मैं इसे एक जीत कहूंगी। अलमारी की परेशानियां सिर्फ कपड़ों के साथ ही नहीं होती, ये जूतों के साथ भी हो सकती है। ओह, ये कभी भी बंधे नहीं रहते। मैं इन्हें और कस के बांधूंगा ताकि मैं गिरूं नहीं। और हो गया, ये काम करेगा। सच में अब ये वाला खुल गया। ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इसका उपाय बिल्कुल आपके साथ में है। वो तो मेरे लेसेस कहाँ से मिले? क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे खुलते रहते हैं। क्या तुम्हें ये खास ट्रिक नहीं पता? लेस को इस तरह गोल गोल घुमाओ, इसे पूरा घुमा दो। अब कोनी को लेकर इसमें से निकाल ले, इसे कस कर खींच दे, और अब ये हो गया। देखो ऐसा ही अब दूसरी साइड से भी करें। इसे पूरा करना ना भूलें। ये थोड़ा ट्रिकी है। हो गया, अब ये दोनों लेसेस तैयार है। इन्हें साथ मिलाएं, अब एक का आखिरी हिस्सा दूसरे के कॉइल्स में डालें। दूसरे कोने के साथ भी ऐसा ही करें। इसे जरूर पूरा निकालें। और ये हो गया, अब इन दोनों को खींचें और कॉइल्स को बीच में ले आए, इन्हें कस के बांधे। बढ़िया है ना? मैं इनसे अब कभी नहीं गिरूंगा। पर क्या मैं इन्हें फिर भी खोल सकता हूँ? हाँ, ये आसान था।
हे केविन, उठ जाओ। चलो चलो। क्या तुम्हें सुबह की हवा में भागना नहीं है? चलो भी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जाओगे। हाथ चलाने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, लेकिन मैं ये स्वेट्स ले लूंगी। क्या आप पुरानी स्वेट्स को नया बनाना चाहते हैं? तो इसकी लाते इस तरह से काट दे। अब इसे सिलने के लिए भेज दे। अब फोल्ड के ऊपर सिलाई मशीन चलाएं। अब आपके पास नए प्यारे से शॉर्ट्स है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। पैंट के नीचे का हिस्सा काटे। अब इसे अलग अलग तीन हिस्सों में काटे। वापस मशीन पर चलो। इस तरह से दो हिस्सों को साथ में सिले। और जब ये हो जाए और तीसरे हिस्से को भी इसके साथ में सिले। अब इन कोनों को साथ में सिले। अब आपको ऐसा एक जुड़ा हुआ मिलेगा। कुछ इलास्टिक स्प्रिंग लें और दोनों तरफ इन्हें कोनों पर लगा दें। जब आप इन्हें सिल देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब समय है योगा मैट लाने का और स्ट्रेच करने का, कुछ संगीत के साथ। हाँ बिल्कुल। क्या दुनिया खत्म हो रही है? ये संगीत बहुत तेज है। मैं गहरी नींद में था। मुझे उठ जाना चाहिए। क्या हम वर्कआउट करने वाले हैं? ये क्या है? मैंने कोई आर्ट प्रोजेक्ट नहीं किया। शायद मैं अपनी नींद में कर रहा हूँगा। अच्छा वर्कआउट गियर है लिली, मुझे ये मिला। वो क्या, तुमने कभी पहले वर्कआउट गियर नहीं देखा क्या? अब पता चला। कभी कभी जब आप अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देते तो कोई और इस पर कुछ बोलता है। ये आउटफिट थोड़ा, सच में शायद मुझे ये स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा। क्या अब ये बेहतर है? लेकिन ये तो बच्चे क्यों है? मैं और क्या कर सकती हूँ? ये इलास्टिक बिल्कुल काम करेगा। आज कोई गुत नहीं बनेगी। नीचे से अपनी शर्ट को इकट्ठा करें और इसे फोल्ड करें। जब ये हो जाए तो इसे इलास्टिक से बांधें। अब इस तरह इसे टक कर लें। प्यारा है ना? केविन? हाँ? वो? अब ये टॉप बिल्कुल अलग लग रहा है। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। बाय। एक हॉट डेट से पहले केविन ध्यान रखता है कि वो अच्छा दिखे। मैं बिल्कुल समय पर हूँ। काश उसे ये फूल पसंद आए। बस जूते पहनकर मैं जा रहा हूँ। ओह, ये तो पुराने लग रहे हैं। मेरे पास बस 10 मिनट है। लिली, क्या मैं 1 सेकंड ये प्रेस ले लूं? ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले लेसेस निकालें। अब कुछ कपड़ा इसमें डालें। अब एक कपड़ा इसके ऊपर भी लगाएं और ऊपर पानी डालें। प्रेस को आराम आराम से इसके ऊपर चलाएं। 1 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? ये तो बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। कैव, किसे पता था बिल्कुल थोड़ी सी फिनिशिंग देते ही ये बिल्कुल अलग दिखेंगे। बढ़िया है, मुझे जाना चाहिए या फिर भागना चाहिए। केविन ने कहा था कि वो 9 बजे तक आ जाएगा। माफ करना, मैं लेट हो गया।
ये फूल उसे खुश कर देंगे। बहुत बढ़िया। क्या आप इनमें से कोई हैक इस्तेमाल करेंगे? इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और 123 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए।